नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। आसमान से आई आफत और किसान हुआ बर्बाद। पहले तो किसान खाद की किल्लत से परेशान रहा और किसानों ने जैसे तैसे करके एक का एक एक दो दो बोरी इकट्ठे करके किसानों ने अपने खेत में खाद की जैसे भी छिड़काव किया। उसके बाद पाला पड़ गया। पाला ने लगभग 30% किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। उसके बावजूद भी किसान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो सोचता रहा कि चलो 30-70% जितनी किसान की फसल बची है वो आने वाले समय में कुछ दे कर जाएगी। पर क्या पता था कि कुदरत का फिर एक ऐसा कहर आएगा कि किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और कल रात 8 बजे से जो ओलावृष्टि हुई जिसमें किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। किसानों ने उधार ले लेकर ब्याज पर पैसा ले लेकर फसलों में फंसाया था या फसलें बोई थी इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चे पढ़ सकेंगे, उन्हें खाना मिल सकेगा। पर क्या पता था कि एक ऐसा कहर आएगा कुदरत का कि पूरा बर्बाद कर देगा और किसानों की फसलें। कई किसानों ने तो बताया कि उनकी फसलें जमी दोज हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ऐसे में वो कहाँ जाएं, कहाँ नहीं। वहीं अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे और सर्वे के पास जो भी रिपोर्ट होगी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी।